स्टोर की इंटायर न्यू कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। सो स्टोर के टी शर्ट का मैं और आप सब बहुत बड़े फैन है और जितनी भी बार कंपनी नए नए कलेक्शन लाती है हम आपको पूरी कलेक्शन दिखाते हैं बिना किसी स्पॉन्सरशिप के। सो स्टोर का टी शर्ट आई है हमारे पास, बैकग्राउंड से बिल्कुल ही मैच करता हुआ टी शर्ट है, स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट है। टी शर्ट में आपको राउंड मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, एक ओवर साइज टी शर्ट है। साथ ही ये भी बता दूं जितने भी आप टी शर्ट देखोगे वो सारे ओवर साइज होंगे और सारे टी शर्ट के फैब्रिक की क्वालिटी प्रीमियम एंड हेवी होगी। अगर इस टी शर्ट में देखोगे ना तो लेफ्ट चेस्ट पे आपको यहाँ पर कटिंग चाय का फोटो देखने को मिलेगा जहां पर धुआं निकल रहा है। प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड बैक में अगर देखोगे यहाँ पर प्रॉपर एक टपरी बनाई गई है भाई, जहाँ पर कटिंग चाय बड़ा बड़ा लिखा हुआ एक टपरी है। भैया चाय बना रहे हैं, ये डॉली चाय वाला तो नहीं है, एकदम कड़क लिखा हुआ नींबू मिर्चा प्रॉपर जिंजर टी सारी चीज, और नीचे वाला एक डॉगी ना बिस्किट खा रहा है और लिखा हुआ है सुकून। प्रिंट के कलर सिलेक्शन, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा टॉप नॉच है। इससे पहले दसवन स्टोर ने ट्रक आर्ट कलेक्शन लाया था जिसके भी पूरी कलेक्शन हमने आपको दिखाई, प्रॉपर उसमें इंडियन वाली फीलिंग थी और इसमें भी वही इंडियन वाइब इसमें डाली गई है, बहुत सारे लोग इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। पहनने में कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एक बहुत खूबसूरत सा ओवर साइज टाई डाई टी शर्ट है। वो टाई डाई का थोड़ा सा फैशन चल गया लेकिन स्टिल अगर एक डिसेंट वे में टाई डाई किया जाए ना तो खूबसूरत लगता है टी शर्ट। राउंडिंग मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, ओवर साइज टी शर्ट ये भी है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा इसमें भी प्रीमियम है। एक्चुअली इन फैब्रिक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि कोई कोई मेरे पास ऐसे दस स्टोर के टी शर्ट है ना जिसे मैं 1.5-2 साल से पहन रहा हूँ। ऑफ व्हाइट एंड कैरो रेड का यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, बेसिकली टाई डाई का कलर देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत मिनिमल टाई डाई किया गया और सेम बैक में भी है। अंदर में आपको दस स्टोर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे में आपको एक छोटू सा स्पूकी भूत इनका देखने को मिल जाएगा। दस स्टोर का आपको टैग मिलता है, छोटू सा एक और टैग दिया गया और यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है 1499,000 रुपए के अंदर में आपको मिलेगा। जाना चाहो आराम से जा सकते हो, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो टी शर्ट है वो वही रिलेट कर पाएंगे जो कि दिल से पोकेमोन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रसूल सूर का आपको टैग मिल जाएगा और पीछे देखोगे ना एक्चुअल पोकेमोन के साथ कोलैबोरेटेड टी शर्ट है ये। राउंड एक मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, अंदर में आपको तो सोल स्टोर एंड पोकेमोन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर ना बहुत क्लियरली लिखा हुआ है फॉर सेल इन इंडिया ओनली। डार्क पर्पल कलर इसमें यूज हुआ है, जो पोकेमोन देखते हैं गैजली का कलर याद है, ये मक्का कलर एग्जैक्टली वैसा कलर है, हालांकि उतना गंदा नहीं है, बहुत खूबसूरत टी शर्ट है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको म्यूटू देखने को मिलता है, भाई व्हाट इज माय पर्पस यहाँ पर लिखा हुआ है। जो लोग पोकेमोन देखते हैं उनको पता है कि म्यूटू एक ह्यूमन मेड पोकेमोन है जो कि म्यू के डीएनए से बना है। पीछे की तरफ आपको एक बहुत बड़ा म्यूटू का फोटो देखने को मिलता है, भाई ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है पोकेमोन सीरीज का। ऊपर में आपको म्यूटू देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी भाई द लेजेंडरी पोकेमोन, अमेजिंग प्रिंट क्वालिटी एंड डेफिनेटली पोकेमोन लवर्स के लिए गोल्डन चीज है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, फैब्रिक की क्वालिटी से लेकर प्रिंट की क्वालिटी सब कुछ टॉप नॉच है। ऑलराइट नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, एक और बहुत ज्यादा खूबसूरत द सोल स्टोर का टी शर्ट। यहाँ पर आपको द सोल स्टोर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्राइसिंग आप लिखी हुई है 1499। देखो हम हर बार द सोल स्टोर की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं लेकिन कभी भी द सोल स्टोर फ्रेंड्स से भी आके ना हमें अप्रिशिएट नहीं करती, हमारी वीडियो शेयर नहीं करती, या कभी ये भी नहीं बोलते ना कि चलो उनको एटलीस्ट प्रोडक्ट ही ले लो हमारी तरफ से वीडियोस बना देना, बिल्कुल नहीं, पूरे पैसे मेरे इन्वेस्ट होते हैं। अब आपको राउंड मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक बहुत खूबसूरत सा फायर देखने को मिल जाएगा जो कि वन चांस के फायर की तरह है। और बैक में अगर देखोगे तो यहाँ पर अगेन आपको वो इंडियन वाइब देखने को मिलती है, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ फायर और एक मोमो का स्टॉल है, मोमो की टपरी है, यहाँ पर 20 रुपए साइड में लिखा हुआ है मोमोज बना रहे भैया। अटेंशन ऑफ डिटेलिंग देखो कि मोमो वाले भैया ने भी जो टी शर्ट पहना हुआ ना उस पे भी द सोल स्टोर की ब्रांडिंग है। ठेले पे आपको मोमोज लिखा हुआ मिल जाएगा, नीचे कैट मोमोज खा रही है और नीचे लिखा हुआ मेड विथ ड्रैगन फायर। प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, डेफिनेटली बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। यूजुअली आप टी शर्ट के पीछे देखोगे कोई एनिमे कैरेक्टर बना होगा या कोई अजीब अजीब सी डिजाइनिंग बनी होगी, एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाले लोगों को ही ना टारगेट करती है या वही लोग समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। ये सारी ऐसी डिजाइनिंग्स है ना जिससे हर इंडियन रिलेट कर पाएगा। वेरी फ्रेश एंड अमेजिंग 100% कॉटन से बना हुआ टी शर्ट होता है, डेफिनेटली जाना चाहो दिल से जा सकते हो। ऑलराइट नेक्स्ट टी शर्ट आ गई हमारे पास में, एक ओवर साइज पोलो टी शर्ट। बहुत सारे लोग इन सारी चीजों की डिमांड करते हैं और हम रेगुलर बेस पे आपके लिए वीडियो लाते हैं, डेली सुबह 10 बजे आपके लिए 1 चांस की वीडियो आ जाती है, शाम को आते हैं बहुत सारे शॉर्ट्स। तो अगर आपने शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना जाके करो, जितने भी शॉर्ट्स व्यूअर्स हैं। यहाँ पर अगर इस टी शर्ट की बात करें, बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर टोन इसमें रखा गया, व्हाइट एंड ब्लैक अभी भी गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको एक पोलो कॉलर देखने को मिल जाएगा, 3 बटन्स वाली डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, मैट बटन्स है, उस पर आपको द सोल स्टोर की ब्रांडिंग भी मिलेगी और जो इसका कॉलर है ना वो कफिंग वाले मटेरियल से बना हुआ है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको पनिशर का लोगो देखने को मिल जाएगा, कह सकते हो भूत की मुंडी, इसके दांत जो है वो कांटे वाले चम्मच की तरह है। ब्लैक कलर के आपको स्लीव्स देखने को मिलते हैं, इसमें क्या अच्छी बात है ना कि स्लीव्स को ड्रॉप नहीं रखा गया है, नीचे में अगेन आपको लास्टिक वाली बॉर्डर देखने को मिल जाएगी, बैक की तरफ कोई भी आपको प्रिंट नहीं मिलता, ये बुरी बात नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आप इस टी शर्ट को चाहो ना तो कहीं भी इजिली पहन सकते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं है। अंदर की तरफ द सोल स्टोर एंड मार्वल का लोगो देखने को मिल जाएगा, सारे टी शर्ट्स में जो भी कोलैबोरेशंस है वो सारे ऑफिशियल कोलैबोरेशंस है। फैब्रिक की
क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, सारी टी शर्ट 100% कॉटन से बने हैं। इफ यू वॉन्ट अ ग्रेट ग्रेट टी शर्ट ना, जिसकी बजट अच्छी हो, अपने इंडिया का टी शर्ट हो एंड डिजाइनिंग में टॉप नॉच हो टी शर्ट, तो आप डसोज स्टोर के लिए आराम से जा सकते हो। नेक्स्ट जो हम टी शर्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक बहुत खूबसूरत जर्सी, डसोज स्टोर का आपको टाइम मिल जाएगा। ये जर्सी बाय बैटमैन की है, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 1999, इतना महंगा आपको नहीं मिलेगा, डोंट वरी। ब्लैक कलर की पूरी आपको जर्सी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको येलो येलो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये बैटमैन के साथ कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। बीच में आपको डार्क नाइट देखने को मिल जाएगा, 39 यहाँ पर नंबर दिया गया, और नीचे में छोटू सा साइड में आपको डीसी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीजें येलो कलर से है। शोल्डर के पास पास में आपको थोड़ी सी केमो प्रिंट देखने को मिलती है, वी नेक आपको इसमें देखने को मिलता है, छोटू सा एक पैच मिलता है जिसके सेंटर में आपको बैटमैन का लोगो देखने को मिलेगा। एक स्लीव में आपको कोई भी प्रिंट नहीं मिलता, लेकिन दूसरे स्लीव में आपको वही लोगो देखने को मिलेगा बैटमैन का। बैक की तरफ आपको बहुत बड़ा प्रिंट देखने को मिलता है, पर मैं आपको बैटमैन का रियल नेम देखने को मिलेगा ब्रूस करके, 39 यहाँ पर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ओवरऑल अगर टी शर्ट की बात करें ना, फैब्रिक बहुत ज्यादा इसमें प्रीमियम डाला गया है, एक नॉर्मल जर्सी वाला फैब्रिक नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है, ब्रीथेबल बहुत ज्यादा, हल्के हल्के ना बहुत महीन इसमें आपको छेद देखने को मिलेंगे। हालांकि एक दो ऐसी चीजें थी जो एड हो जाती ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, जैसे नेक का जो इसका बॉर्डर है ना वो बस वही सेम पॉलिस्टर मटेरियल वाला है, अगर इसमें वो रबर वाली नेक लाइन होती ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। नेक के सेंटर में जो बैटमैन का छोटू सा लोगो है वो थोड़ा इम्बोज्ड होता ना, अच्छी प्रिंटिंग वाला होता तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था पिक्चर को देखकर। नहीं है कोई बात नहीं, ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। डेफिनेटली अगर आपको तगड़ी जर्सी चाहिए ना, डेफिनेटली इसके लिए जा सकती हूँ, ओवरसाइज जर्सी है। सारी टी शर्ट की देखो फिटिंग एंड क्वालिटी टॉप नॉच है, लेकिन हॉल इतनी बड़ी ना कि हम और ज्यादा स्ट्रेच करके बोरिंग नहीं बनाना चाहते। तो ये हमारा पार्ट वन, और 5-6 टी शर्ट बाकी है जो आप देखोगे ठीक इसके बाद वाले वीडियो में। मेक श्योर की चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो अगर आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।